पुलवामा में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम। बम से लैस कार को सुरक्षा बलों ने धमाका कर उड़ाया। आतंकवादियों ने 2019 की तर्ज पर बड़े हमले की रची थी साजिश। खुफिया इनपुट के बाद सुरक्षा बलों ने किया नाकाम। जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार के मुताबिक कार में था 45 किलो विस्फोटक। धमाके के वक्त कुछ घरों के शीशे टूटे, कोई घायल नहीं। जब उसने देखा कि इसमें आईडी एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है तो हमारी टीम वहां जाके उसमें आर्मी सीआरपी पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से उसको डिफ्यूज किया। जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार के मुताबिक चेक पोस्ट पर सुरक्षा बलों ने कार रोकने की कोशिश की थी लेकिन भाग निकले थे आतंकवादी। कार में लगाई गई थी टू व्हीलर की फर्जी नंबर प्लेट। कठुआ के एक शख्स के नाम पर है टू व्हीलर का रजिस्ट्रेशन। आईजी विजय कुमार के मुताबिक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तान ने मिलकर रची थी आतंकी हमले की साजिश, किया गया नाकाम। दूर से लाइट से देखा तो कुछ सस्पिशियस लगा और जब गाड़ी का सेम नंबर मिला जिसको एक्सपेक्टेड कर रहे थे हम लोग तो कॉर्नर को टाइट कर दिया और फर्स्ट लाइट का वेट करा। सुरक्षा बलों को 4-5 दिन पहले ही मिल गई थी हमले की साजिश की खुफिया जानकारी। कल सफेद सेंट्रो कार में विस्फोटक की मिली थी सटीक खबर। एनआईए को सौंपी गई साजिश की जांच की जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर पुलिस भी तफ्तीश में जुटी। 31 मई के लॉकडाउन के बाद के हालात पर मंथन। आज राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ कैबिनेट सचिव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कोरोना संकट और लॉकडाउन से बने हालात पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जारी किया वीडियो संदेश। केंद्र सरकार से मजदूरों को सुरक्षित घर पहुंचाने की मांग। सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलकर घर वापस जाने को मजबूर हो गए। सोनिया ने सरकार से की जरूरतमंदों के लिए खजाना खोलने की मांग। कहा लोन की बजाय दी जाए आर्थिक मदद। मरकज केस में क्राइम ब्रांच की चार्जशीट की तीसरी किश्त। 3 देशों के 500 से ज्यादा जमातियों पर केस। सावरकर जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। आजादी की लड़ाई में योगदान और बहादुरी के लिए किया याद। बेंगलुरु में सावरकर फ्लाईओवर का आज होने वाला उद्घाटन टला। भीड़ जुटने की आशंका से राज्य सरकार ने किया फैसला। बेंगलुरु में सावरकर के नाम पर फ्लाईओवर के उद्घाटन पर कांग्रेस को एतराज। पूर्व सीएम सिद्धरमैया बोले नेहरू इंदिरा और पटेल से नहीं की जा सकती तुलना। अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस मामले में आज सुनवाई। सीबीआई कोर्ट में होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अयोध्या केस में दर्ज होनी है 32 लोगों की गवाही। अडवाणी उमा भारती और कल्याण सिंह के नाम शामिल। मुंबई से फ्लाइट के जरिए रांची पहुंचे 180 प्रवासी मजदूर। घर वापसी और पहली हवाई यात्रा पर जताई खुशी। मजदूरों ने एयर एशिया फ्लाइट से किया मुंबई से रांची का सफर। मुंबई में छात्रों के ग्रुप ने पैसे जुटाकर की मदद। पटना में भी फ्लाइट से पहुंचे 10 मजदूर। घर वापसी पर जताई खुशी। दिल्ली में मशरूम प्लांट में काम करते थे सभी मजदूर। मालिक ने सभी के लिए किया था एयर टिकट का इंतजाम। रांची कोरोना हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी में हंगामा। कंटेनमेंट जोन हटाने को लेकर धरना। 24 घंटे में कोरोना से देश भर में 194 लोगों की मौत। मौत का आंकड़ा 4531 तक पहुंचा। देश भर में कोरोना के कुल 158,333 मामले बीते 24 घंटे में सामने आए। 6,566 नए मरीज। कोरोना से स्वस्थ होने वालों की तादाद भी बढ़ी। अब तक 67,691 मरीज हुए ठीक। दुनिया भर में कोरोना के मामले 56 लाख से ज्यादा। अब तक 3,48,000 से ज्यादा लोगों की मौत। देश में महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा मामले। अब तक करीब 57,000 मामले। महाराष्ट्र में पहली बार 24 घंटे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत। अब तक कुल 1,897 मरीजों ने तोड़ा दम। मुंबई में 24 घंटे में 32 मरीजों की मौत। मुंबई में मौत का आंकड़ा 1,097 पर पहुंचा। मुंबई में 34,018 मामले 24 घंटे में सामने आए। 1,044 नए मरीज। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मामले। 24 घंटे में 646 नए मरीज। अब तक 17,700 से ज्यादा केस। गुजरात में 24 घंटे में सामने आए 361 नए मरीज। कुल 14,800 से ज्यादा मामले। अब तक 915 लोगों की मौत। यूपी में क्वारंटीन सेंटर में अव्यवस्था की खबरों पर सीएम योगी का एक्शन। लखनऊ में क्वारंटीन सेंटर का किया गया निरीक्षण।
लखनऊ में मुस्लिम महिलाओं ने चलाया मिशन कोरोना खात्मा, घूम घूम कर धार्मिक स्थलों, गलियों और घरों को कर रही हैं सैनिटाइज। कैमूर में क्वारंटीन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों का हंगामा, खराब खाने और अव्यवस्था की शिकायत। गाजियाबाद में गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर पर सुबह लगा जाम, पुलिस कर रही है चेकिंग। दिल्ली के सुभाष नगर में एक घर में 6 लोग कोरोना पॉजिटिव, मोहल्ले को किया गया सील। उत्तर भारत में भीषण गर्मी ने किया बेहाल, दिल्ली में पालम में कल भी 47 डिग्री तक पहुंचा पारा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज रात से मिल सकती है थोड़ी राहत, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से आंधी और बूंदाबांदी की संभावना। कल से पूरे उत्तर भारत में लू से मिल सकती है राहत, मौसम विभाग ने जताया देश के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान। मुरादाबाद में मौसम ने ली करवट, हल्की बारिश से तापमान में गिरावट। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में आंधी और तेज बारिश, बिजली गिरने से एक शख्स की मौत। मुंबई में धारावी से लोगों का निकलना जारी, घर वापसी के लिए बस्ती के बाहर लगी लंबी कतार। हरियाणा के फतेहाबाद में क्वारंटीन सेंटर पर भूख हड़ताल, एक महीने से रोके गए लोगों ने की घर भेजने की मांग। बिहार के मधुबनी में क्वारंटीन सेंटर में एक युवक की मौत, पुणे से आया था मजदूर। बिहार के कटिहार में स्कूल में क्वारंटीन सेंटर बनाने को लेकर तनाव, गांव वालों ने की पिटाई। केरल में लॉकडाउन में दी गई नई रियायत, शराब की दुकानें भी खुली। झालावाड़ में 7 दिन से बिहार जाने के लिए ट्रेन के इंतजार में 134 मजदूर, कहा क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था सुधारने की बजाय जल्द भेजे सरकार। मुंबई के बोरीवली से गोरखपुर आ रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में महिला को प्रसव पीड़ा, मध्य प्रदेश के नागदा स्टेशन पर ट्रेन को रोककर भेजा गया अस्पताल। मुंबई से प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी, ट्रकों में सफर करते दिखे मजदूर। यूपी के शामली में एम्बुलेंस में जन्म के बाद मासूम की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक छात्र पर केस दर्ज, सोशल मीडिया पर कश्मीर पर विवादित पोस्ट और पाकिस्तान से प्रेम का आरोप। पूर्वी दिल्ली के मधुविहार थाने के SHO राजीव कुमार कोरोना पॉजिटिव, थाने में मचा हड़कंप। बरेली शहर में रामपुर गार्डन बना हॉटस्पॉट, रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव। बरेली में अब तक बने 10 हॉटस्पॉट, कुल 43 लोग कोरोना पॉजिटिव। अगरतला में महाराष्ट्र से लौटे 18 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, सरकार ने सभी 1154 लोगों को टेस्ट कराने के दिए आदेश। महाराष्ट्र से पश्चिमी मिदनापुर लौट रहे एक प्रवासी मजदूर की बस में मौत, 35 मजदूर कर रहे थे सफर। दिल्ली से चलकर हाथरस पहुंची श्रमिक स्पेशल में परेशान दिखे मजदूर, खाना पानी का बंदोबस्त नहीं होने का आरोप लगाया। कोलकाता से घरेलू उड़ान सेवा बहाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ने के लिए सुबह यात्रियों की दिखी कतार। यूपी के फतेहपुर में दुकानों में चोरी करने वाले 4 शातिर गिरफ्तार, लॉकडाउन के सन्नाटे का फायदा उठाकर वारदात को दे रहे थे अंजाम। देवबंद में गन्ने से भरा ट्रक 2 मासूम भाइयों पर पलटा, एक भाई की मौत, दूसरे की बचाई गई जान। मध्य प्रदेश के पन्ना में टिड्डी दल का आतंक, प्रशासन ने गाड़ियों के सायरन से की भगाने की कोशिश। पटना में पुल बनाने के दौरान JCB से फिसल कर गिरा एक पत्थर, नीचे खेल रहे थे 3 बच्चे, दबने से बच्चों की मौत। मध्य प्रदेश के रतलाम में लॉकडाउन में भाई बहनों ने मिलकर बनाई 22,000 ईंट पक्के मकान के लिए, पिता से किया था वादा। पीएम आवास योजना के लिए पंचायत में किया गया था आवेदन लेकिन नहीं मिली मंजूरी, अब अगली फसल से मकान बनाने का के लिए खरीदेंगे बाकी सामान। मध्य प्रदेश की कटनी में टिड्डियों का हमला, फसल चौपट होने से घबराए किसान। आजमगढ़ में तैनात महिला कांस्टेबल ने आगे बढ़ाई अपनी शादी की तारीख, कोरोना संकट के दौरान कर रही हैं ड्यूटी। प्रयागराज में दोस्त के साथ संगम पर गए युवक के साथ हादसा, डूबने से हुई मौत। नाविकों ने दोस्त को डूबने से बचा लिया, युवक को बचाने की कोशिश रही नाकाम। दिल्ली के पांडव नगर में कूलर चलाने के दौरान एक शख्स को लगा करंट, अस्पताल ले जाते वक्त मौत। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में होमगार्ड की पिटाई, 5 लोगों को खिलाफ केस दर्ज। लॉकडाउन में 7 साल से बिछड़ा बेटा मां को वापस मिला, राजस्थान के गंगानगर से पुलिस लेकर आई उत्तरकाशी। सोनीपत के नेशनल हाईवे ट्रक की मरम्मत के दौरान तेल टैंकर में आग, गंभीर रूप से झुलसे 2 शख्स। बहादुरगढ़ में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, फैक्ट्री मालिक के अपहरण का आरोप। बदमाशों ने डायरेक्टर की पत्नी और पार्टनर से मांगी थी 50 लाख की फिरौती, मुठभेड़ के दौरान फैक्ट्री मालिक को छोड़कर भागे।
जूनागढ़ में हॉरर किलिंग के शिकार बने पति पत्नी, अंतरजातीय विवाह से नाराज थे परिवार वाले, हत्या की। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में 3 करोड़ के बीमा के लालच में दोस्त की हत्या, शव को जलाकर पास में रख दिया अपना आधार कार्ड, अब पुलिस के शिकंजे में। गोरखपुर में 2 चचेरे भाइयों की हत्या को लेकर गांव वालों का हंगामा, बस के शीशे तोड़े, पुलिस पर पथरा। यूपी के देवरिया में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में झड़प, एक महिला की बुरी तरह पिटाई। यूपी के शामली में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर हमला, 2 दारोगा और 1 सिपाही घायल। आरोपी के परिवार का आरोप, पुलिस ने घर में की तोड़फोड़ और मारपीट। पुलिसकर्मियों पर हमले के मामले में 30 लोग हिरासत में, 100 से ज्यादा पर FIR। अमेरिका में 1 लाख के पार पहुंचा कोरोना से मौत का आंकड़ा, करीब 17 लाख लोगों में वायरस का संक्रमण। अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाबंदियों में और दी जाएगी छूट, जल्द खुल सकते हैं पार्लर और सैलून। अमेरिका में कोरोना को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइंस, प्लेन में वायरस नहीं फैलने का दावा। ब्रिटेन में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा की इजाजत, स्वास्थ्य मंत्री बोले जल्द शुरू किया जाएगा दवा का क्लिनिकल ट्रायल। स्पेन में सुधरते हालात के बीच लॉकडाउन में दी गई ढील, सामाजिक समारोह, बैठक और कुछ सांस्कृतिक गतिविधियों की भी इजाजत। सिंगापुर में कम्युनिटी सेंटर्स में लगाई गई मास्क वेंडिंग मशीन, सरकार की तरफ से फ्री में बांटे जा रहे हैं मास्क। न्यूजीलैंड ने कोरोना को पूरी तरह किया पस्त, आखिरी मरीज को अस्पताल से मिली छुट्टी। दक्षिण कोरिया में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पाबंदियों में और ज्यादा ढील, छोटे बच्चों के स्कूल भी खुले। जापान में पूरी तरह खत्म की गई इमरजेंसी, फिर से पटरी पर लौटने लगी जिंदगी। लॉकडाउन में बच्चे को जेके रॉलिंग का तोहफा, किताब का पहला चैप्टर ऑनलाइन हुआ रिलीज। ब्राजील में कोरोना संकट के बीच रियो के गवर्नर के आवास पर पुलिस की छापेमारी, सार्वजनिक संसाधनों के गबन का आरोप। चीन की सर्वे टीम ने मापी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, 8,844 मीटर होने का दावा। एवरेस्ट की ऊंचाई मानी जाती है 8,848 मीटर। एयरबस कंपनी की 11 सदस्यीय टीम ने शुरू की कराची हादसों की जांच, शुक्रवार को गई थी 91 लोगों की जान। खराब मौसम की वजह से टली स्पेस एक्स के ह्यूमन स्पेस मिशन की लॉन्चिंग, अब शनिवार को होगी कोशिश। स्पेस एक्स की लॉन्चिंग देखने के लिए परिवार के साथ फ्लोरिडा पहुंचे थे राष्ट्रपति ट्रंप, वैज्ञानिकों का बढ़ाया हौसला।